हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 12 बज के, सुबह के नहीं मतलब सुबह ही बोलेंगे, दोपहर तो नहीं हुआ है, 12 बज के 16 मिनट। और अभी मैं खाना वगैरह, डिनर नाश्ता वगैरह सारा कुछ बना के और खावा के सब कुछ खा लिए, दीदी भी खा ली, और सारा मतलब हम लोग का काम हो गया है कंप्लीट। तो सोच रहे हैं जाके पर्दा, मतलब उधर जो शीशा है ना वहाँ पर पर्दा लगाने का सोच रहे हैं। और ये इसमें जो ये पर्दा हटा के दूसरा मतलब मैचिंग का पर्दा लगाना चाह रहे हैं। उधर भी मतलब जो दरवाज़ा खुल गया है ना, दिख नहीं रहा होगा, उधर भी एक दरवाज़ा खुला है ना गली में, तो उसमें भी सेम कलर का पर्दा लगाना चाह रहे हैं। तो सोचे चलो देख के आते हैं, अगर सुंदर पर्दा मिला तो ले लेंगे, और प्राइस भी देखेंगे ऑफलाइन में कि कैसा है क्या है, अगर सही लगा तो लेंगे और सही नहीं लगा तो फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेंगे। क्योंकि अगर ऑनलाइन में जितना प्राइस दिखा रहा है उससे ज़्यादा बोला तो फिर क्यों मतलब ऑफलाइन मतलब लेके क्या ही फ़ायदा, तो फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगी। और सुंदर भी चाहिए, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, तो फिर देखते हैं कैसा हम लोग को पर्दा मिलता है। अगर अच्छा मिलेगा तो हम लोग तो ले लेंगे। और यहाँ पे तो आप लोग देख रहे होंगे कि खाली हो चुका है पूरा, मस्त सारा बाहर निकाल दिए, होल में है अब सारा मेरा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से, देखते हैं कैसा पर्दा मिलता है। रूम को लॉक, तो यहाँ के लिए भी एक पर्दा, यहाँ के लिए भी पर्दा मैचिंग, और उधर मिरर है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं फिर। तो गाइस, तो मैं आ गई हूँ शॉपिंग करके, मतलब अच्छा, मतलब मैं दूसरा कलर का लेना चाह रही थी। पहले फ़ैन बंद कर लेती हूँ क्योंकि आवाज़ आप लोगों को सही से नहीं आएगा। तो फ़ैन का आवाज़ आ गया था इसलिए मैं फ़ैन बंद कर दी हूँ। और मैं मतलब शुरू में ना कोई यूनिक कलर लेना चाह रही थी, जैसे ये सोफा है जो है ना, ये थोड़ा यूनिक कलर में लेना चाह रही थी। क्योंकि मतलब किसी के भी घर जाती हूँ तो ये कलर तो कंपलसरी है कि ये कलर मिल ही जाता है, मतलब इसलिए मैं सोच रही थी मेरा रूम थोड़ा अलग लगना चाहिए, मतलब कुछ हटके कलर लेना। बट वो सब कलर में मेरे को डिजाइन अच्छा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए फिर लास्ट में मेरे को भी यही लेना पड़ा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या लेके आई हूँ, क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। तो ये सोफा का लेके आई हूँ, सोफा में बिछाने के लिए ये वाला, और डिज़ाइन में आप लोग को दिखा दूँगी। तो अरे बता देती हूँ इसका प्राइस पड़ा है मेरे को 1015 रुपीज़, 1015 रुपया का है। और इसमें जो है ना मुझे पूरा सेट नहीं मिल पाया, मतलब ये काठ वाला सोफ़ा के लिए है। तो जैसे कि मेरा सोफ़ा का ये जो साइड वाला है ना, ये साइड वाला इसका, तो ये साइड वाला का मतलब नहीं मिला था मेरे को, जैसे ये नीचे का मिला और ऊपर का नहीं मिला, साइड का नहीं मिला। तो मतलब ऊपर का मिला, साइड का नहीं मिला, मतलब जैसे मैं आप लोग को अच्छे से बता ही देती हूँ, इसका ये साइड का और ये साइड का मतलब नहीं मिला मेरे को। तो फिर लास्ट में मैं सोची कि क्या ही किया जाए, और ये तो क्या बोले, काठ वाला जो सोफ़ा रहता है ना वो सब का ये सब था, इसीलिए उसमें वो नहीं था, और इधर कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं मिलता, उसके लिए हम लोग को रामगढ़ जाना पड़ता। इसलिए फिर लास्ट में मैं क्या की, जैसे इसको ले ली और इसी का मतलब दो पैक ले ली, मतलब एक में तो आधा था तो मैं सोची एक और ले लेते हैं, तो उसमें साइड में उसको लगा देंगे और जो बचेगा दो बच जाएगा उसमें से, तो दो जो बचेगा वो यूज़ में आ जाएगा, जैसे फ्रिज के ऊपर ढक सकते हैं, कूलर के ऊपर ढक मतलब ढक सकते हैं, तो यूज में आ जाएगा। इसलिए सोची चलो दो ही ले लेते हैं, क्योंकि वो वाला लेने जाए तो उसका भी मतलब हमको लगता है कि साइड में अगर मिलता उसमें तो वो भी उतना प्राइस में आ जाता, जैसे कि 2000
वो भी 2000-2500 ले ही लेता है, ज़्यादा ज़्यादा 3000 तक भी आ सकता है। तो इसीलिए सोची 1000 में मिल रहा है तो दो ले लेती हूँ, 2000 हो गया और फिर मेरा सारा हो भी जाएगा। और ये सब मैंने साइड साइड में नहीं देने से क्या बोलूँ, मतलब पानी वानी पड़ता है ख़राब हो जाता है इसमें। तो ये है एक, इसमें ये पैकिंग है, एक ले ली, ये भी 1015 सेम था, सेम डिजाइन वगैरह सब कुछ से, ये ले ली। और फिर एक खोल दी हमने, ये ले ली। तो मेरा अब हर तरफ हो जाएगा इजीली और अच्छे से। तो ये और एक ये टेबल को ढकने के लिए ले ली यहाँ सोफा। और मैं मतलब सारा सेम कलर ली हूँ ताकि रूम मतलब सारा कुछ रूम में सेम कलर करेगा तो सुंदर लगेगा इसलिए। तो ये देखिए ये वाला टेबल ढकने के लिए है और इसका डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है। बस नीचे बिछाने के लिए नहीं ली सोफा के नीचे, मतलब जमीन में बिछाने के लिए, क्योंकि वो मेरे को मिला नहीं। तो उसको सोच रही हूँ इसको ऑनलाइन से ऑर्डर कर लूँगी, क्योंकि मिला ही नहीं तो क्या कर। छोटा छोटा वाला हमको पौधा नहीं मिल रहा था तो वो सब का भी जरूरत था। तो वो सब भी सोची चलो एक ऑनलाइन से ऑर्डर करूँगी तो वो सब भी ऑनलाइन से ही ऑर्डर करूँगी इसलिए नहीं ली। और ये वाला हमको बहुत प्यारा लग रहा है, ये देख लीजिए आप। ऐसा ऐसा प्यारा प्यारा डिजाइन पड़ता क्यों नहीं मिलता समझ में नहीं आता। तो इसका प्राइस आप लोग खुद ही देख लीजिए, 361 रुपये पड़ा है इसका प्राइस और पर्दा का। दिखा देती हूँ, और ये है पर्दा जो कि 311 रुपये का है। और सब मैंने जूही वस्त्रालय से लिया, यहीं पे चितरपुर में है वहाँ से। तो ये है पर्दा का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का, पूरा डिज़ाइन नीचे तक का। तो पर्दा हम लोग कितना लिए हैं, ये शीशा वाला हम लगाने के लिए एक इधर, क्योंकि एक में तो पूरे का नहीं ना, एक इधर दो, और ये दोनों द्वार के पास चार, और एक उधर जैसे ऐसे रेख बनाए उसमें लगाने के लिए। तो मैं लगा लूँगी उसके बाद आप लोग को दिखा दूँगी कि कहाँ कहाँ मैं लगाई हूँ और किस टाइप का लगाई हूँ उसको। तो वो पैप भी नहीं ली हूँ तो वो पैप को भी लूँगी, तो फिर तभी लगा के दिखाऊंगी। फिलहाल सोफा वगैरह से भी बिछा दूंगी पर्दा लगाने के लिए, थोड़ी जरूरत है उस पैप का लेने का, तो पैप अभी ले आया नहीं। सो गाइस अभी मैं हूँ किचन में और ये बन रहा है आज खिचड़ी। आज मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ। क्योंकि दीदी आई है मेरी ननद, तो वो बोली आज खिचड़ी ही बना, और मुझे भी मन कर रहा था खिचड़ी खाने का, तो सोची चलिए आज खिचड़ी बनाया जाए। और जो मैं पर्दा लाई थी गाइस वो अभी लगाई नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो लंबा वाला पैक चाहिए ना, तो वो है नहीं इसलिए नहीं लगाई हूँ। तो अभी पर्दा रखा हुआ है झूला में, और सोफ़ा का भी कवर वगैरह नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मतलब सोची कल ही एक ही बार सारा कुछ लगाऊंगी और वीडियो मतलब ब्लॉग बनाऊंगी तो आप लोग को दिखा दूंगी तो अच्छा लगेगा, इसलिए सोची कि कल ही मतलब सोफ़ा वाला भी कल ही बिछा दूंगी, इसलिए पर्दा को भी नहीं लगाई और सोफ़ा को भी नहीं लगाई। और यहाँ मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, मोड़ना है लेकिन अभी मन नहीं कर रहा है मोड़ने का। और यहाँ पे हम लोग का मंदिर में शादी हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है यहाँ से देखने में, यहाँ कुछ भी मंदिर में होते रहते हैं ना तो मज़ा आता है, यहीं से दिख जाता है सारा कुछ तो अच्छा लगता है। और ये तो आप लोग मेरा होल देखे नहीं होंगे कि कैसा मतलब अभी कंप्लीट हुआ है, किस टाइप का, देखिए पेंट वगैरह भी हो गया ऊपर वाले तो पहले से ही था लेकिन ये नीचे वाला नहीं था, नीचे वाला हम लोग खुद से बनाए हैं अपने से, मतलब कुछ कुछ डिजाइन बना दिए हैं इधर, बट अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, खुद से भी बहुत अच्छा कलाकारी किए हैं मतलब मेरे पति, और मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प की हूँ। और इधर ये थोड़ा सा दिख रहा है
वहाँ पे भी एक डिजाइन बना था, वहाँ पे 3 फोटो आता है वैसा वाला, बट ये अलमारी की वजह से ये डिजाइन जो है पैक हो चुका है पूरी तरह से। तो कोई बात नहीं, अभी तो होल में उतना कुछ हुआ भी नहीं, बस हम लोग सामान को सही जगह एडजस्ट करके और रख दिए हैं। बाकी हॉल को डेकोरेट करना तो अभी भी बाकी है, पर्दा वगैरह लगेगा, फिर फ्लावर्स वगैरह सोच रही हूँ लगाऊंगी वहाँ पे, जैसे सोफा वहाँ पे बीच में खाली है वहाँ पे, और बाहर में क्या बोलूँ बालकनी में मतलब फूल वगैरह कुछ कुछ लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अभी वो सब तो लगा नहीं है, तो अभी तो डेकोरेट होना बहुत ज़्यादा बाकी है, अभी कुछ कुछ ही हुआ है फिलहाल के लिए, मतलब जो है सो है, जब करूँगी तभी दिखाने सोच रही थी एक दिन कि अच्छे से दिखाऊंगी, बट अभी कब ना कब होगा, तब तक आप लोगों को क्यों वेट करवाऊँ, इसलिए सोचिए ऐसे ही दिखा दूँगी, जब आते जाएगा तो उसका ब्लॉग बना के आप लोग को भी दिखाते जाऊँगी। तो फिलहाल तो इसी टाइप का बना है, एक बार चलिए बैक कैमरे से मतलब पूरा हॉल को सही से दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद देखिएगा हॉल में कितना ज़्यादा चेंजेस आएगा जब और भी कुछ कुछ होगा तभी। तो चलिए कुछ कुछ दिखाते हैं, आप लोग खुद ही देखिएगा, उसके बाद फिर चेंज होगा कुछ कुछ और हॉल को डेकोरेट करेंगे तभी देखिएगा, मतलब अभी कैसा लग रहा है और जब डेकोरेट होगा थोड़ा तभी कैसा लगेगा। बस पर्दा वगैरह ही लगेगा ना तो हॉल का मतलब थोड़ा सा लुक अलग हो जाएगा, ये शीशा में पर्दा वगैरह लगेगा तो मतलब बहुत ज़्यादा अलग दिखेगा थोड़ा बहुत। चलिए फिर भी दिखाते हैं बैक कैमरा से क्या है। सो गाइस, तो ये है गेट, जैसे हम लोग यहाँ पे गेट लगा दिए ताकि इधर का जो है हम लोग का हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई सामान वगैरह भी रखूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ताला लॉक करके हम लोग इधर रह सकते हैं आराम से। ऊपर में तो इसी टाइप का किचन, वहाँ पे दिख रहे हैं दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पे है किचन, बाकी मेरा रूम ये रहा, और इधर जो था कूलर वगैरह जो कुछ भी था सारा कुछ हटा दी हूँ, तो अभी मतलब रूम काफ़ी हद तक खाली लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, मुझे खाली रूम भी पसंद है, ज़्यादा भरा हुआ नहीं पसंद है। तो खाली यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल और बेड रहेगा, बाकी कुछ नहीं, और उधर अभी कुछ कुछ सामान जूता वगैरह रखा हुआ तो वहाँ पे लगेगा पर्दा, तभी एक में मतलब जूता वगैरह रहेगा, चप्पल वगैरह वगैरह रहेगा, मैं जैसे नीचे वाला में रख दूँगी जूता वगैरह चप्पल वगैरह, फिर इसमें रह जाएगा मेरा क्या बोलूँ कपड़ा वगैरह, इसमें भी कपड़ा वगैरह, इसमें भी ऐसे करके रखाएगा। तो ये हो गया मेरे रूम, और यहाँ से है हमारा एंट्री गेट, और उधर है किचन, आप लोगों को तो पता ही है। फिर ये रूम से जस्ट मेरा निकलते ये है हॉल, तो हॉल को अभी कुछ इसी टाइप का हुआ है डेकोरेट, और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है ना गाइस, खुद से ही बनाए हैं हम लोग, कोई मिस्त्री वगैरह आके नहीं, और ये भी पहले से बना हुआ था ना, तो ये भी मेरे पति ही बनाए थे पहले से ही, मतलब जो भी बोलो मेरे पति को डेकोरेशन तो बहुत अच्छा अच्छा आता है, देख के चलिए। और थोड़ा बहुत पेंट पोचाड़ा वगैरह भी हो गया तो अच्छा लग रहा है इधर इधर इधर, और इधर तो आप लोग को पता ही था कि तोड़ के हम लोग फिर से हॉल बना दिए थोड़ा बड़ा करने के चलते, और अभी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, लेकिन अभी कपड़ा वगैरह बिखरा हुआ है ना तो अभी साफ नहीं की हूँ, क्योंकि जब तक हॉल पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक गंदा होते रहेगा, तो फिर इसीलिए क्या ही साफ करती। तो चलिए फिर बाद में आप लोग से मिलते हैं, अभी बाय बाय। सो गाइस, अभी मैं बना रही थी किट्टू के साथ रील्स वीडियो, और अभी किट्टू क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या पी रहे हैं, जूस वाला, क्या बोलते हैं जूस वाला, मैंगो, मैंगो का मामी भी पीते, पर वो लोग इसका मामी का खत्म हो गया जल्दी, मेरा खत्म हो गया, किट्टू का बचा हुआ है। कोई बात नहीं, फ्रिज में अभी बहुत सारा है, पूरा पैकेट भरा हुआ है ना, दिखाओ क्या, जाइए लेके आइए तो जल्दी दिखाइए। और अभी मेरे पति नहीं आए हैं, अभी 9 बजने वाला है, 9 बजने क्या, 9 बज ही गया, आज जल्दी आएंगे क्योंकि आज फाइनल डिनर था तो काम हो गया। अब दिखाओ, देखो हम लोग यहाँ से दो खा पी चुके हैं, दो पी चुके हैं, बाकी यहाँ बचा हुआ है, अब अभी बहुत देर जूस लो क्या, दूसरा वाला बड़ा वाला, जूस लाओ क्या, आप लोग को देखना है क्या बड़ा वाला।
अच्छा ये है बड़ा वाला जूस, तो ये प्लास्टिक क्यों दिया हुआ है छोटू? क्योंकि इसमें और दो पैक था मतलब अरे आराम से गिरी है, बैठिए अच्छा मतलब इसमें ना और भी था मतलब, तो वो सब निकाल के हम खत्म हो गया पी लिए, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लास्टिक दिया हुआ था, तीन था। खत्म हो गया उसका भी खत्म करने वाले, आपको क्या पसंद है? मुझे फल पसंद है बहुत सारे। क्या पसंद है? फल। कौन सा फल? एप्पल, बनाना, केले। मैंने चीज तो बोल भी नहीं की, मैंगो। मैंगो आपको मैंगो बहुत पसंद है ना? आम। आम बहुत ज्यादा पसंद है ना? सब कुछ पसंद है मुझे। सब कुछ नहीं, आप तो खाली आम खाने खोजते हैं। पर वो तो ज्यादा मीठा होता है इसलिए ना। आपको आपको आप बता आपको क्या पसंद है? हमको हमको भी आम पसंद है और मिठाई में रसगुल्ला पसंद है। और गाइस आपको क्या पसंद है फल में कमेंट में बताइए। ये जल्दी बताइएगा, मैं कमेंट चेक करूंगी। बोलिए हमको अब जल्दी करिए, हम मैं कमेंट चेक करूंगी। और बोल दीजिए कि हमारे क्या बोले मंदिर में हो रहा है शादी किसी का। मंदिर में हो रहा है किसी का शादी, यहाँ पे भीड़ हो गया है पूरा। आप लोग को देखना है क्या? आपको देखना है क्या? चलिए दिखाते हैं। चलिए ये देखिए गाइस, अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि मतलब वो जो यहाँ पे मंदिर बना है ना उससे ढक जाता है, तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना दिख रहा है जिससे पता चल रहा है कि शादी है। प्लीज ओके टू सब फिर से रख दीजिए फ्रिज में, वरना गर्म हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा पीने में। मज़ा ही आ रहा है।